लेकिन जहां मैं खड़ा हूं वहां के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। ये सड़क है और इसको दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सड़क हरियाणा को जोड़ती है। मैं जिला शामली में खड़ा हूं और इसी सड़क से लगभग आज से 8 दिन बाद सावन का महा चलेगा। हम हरियाणा से आए हैं जी, पानीपत। हरियाणा वाला का मेन रास्ता है, यही हमारा रास्ता है यहीं से। और अभी 8 दिन बाद कांवड़, ये भी इसी रास्ते से पूरा हरियाणा कह लीजिए, राजस्थान, पानीपत हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, सभी जिलों के हरियाणा यहीं से जाएगा। और इसकी तरफ तो बाबा योगी को देखना चाहिए। प्रदीप चौधरी, आप मिले नहीं उनसे? हमें शिकल भी देखी भाई साहब उनकी आज तक, जाने भी ना आज तक संसद को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। प्रदेश में बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं, हर प्रकार का विकास। सड़कों की बात कर ली जाए तो सड़कें प्रदेश में नंबर वन की बात की जाती है, कहीं गड्ढा मुक्त का योजना चलाई जाती है तो कभी कई प्रकार की योजनाओं का यहाँ पर जिक्र आपको मंत्रियों के द्वारा या सरकार में जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सुनने को मिलता है। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ के हालात मैं आपको दिखाऊँगा। ये सड़क है और इसको दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सड़क हरियाणा को जोड़ती है। मैं जिला शामली में खड़ा हूँ और इसी सड़क से लगभग आज से 8 दिन बाद सावन का महा चलेगा। कांवड़िए, लाखों करोड़ों कांवड़िए इसी सड़क से होकर के गुजरेंगे। जी भाई साहब, इसका सुधार करवा दो भाई, गाड़ी सारी टूट जाए यार यहाँ तो। आप पहली बार आए हो क्या? नहीं, ये आना जाना हमारा यहीं से है। अच्छा। गाड़ियों के बिल्कुल शोकर भी खत्म हो गए, ज्यादा खड्डे है बिल्कुल। सरकार से ये हम उम्मीद करेंगे इसका और उद्धार कर दो जी। आप कहाँ से आए? हम हरियाणा से आए हैं जी, पानीपत। हरियाणा वाला का मेन रास्ता है, यही हमारा रास्ता है यहीं से। और अभी 8 दिन बाद कांवड़, ये भी इसी रास्ते से पूरा हरियाणा कह लीजिए, राजस्थान, पानीपत हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, सभी जिलों के। हरियाणा यहीं से जाएगा और इसकी तरफ तो बाबा योगी को देखना चाहिए। और हमें योगी जी से यही उम्मीद है कि वो इसकी तरफ ध्यान देंगे और इसका सुधार कराएंगे जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विकास रावल है जी। ये विकास रावल जी है जो साहब कह रहे हैं कि हमारा हरियाणा वालों का मेन रास्ता है, लेकिन इसकी दुर्दशा इतनी हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, कई कई फिट के गड्ढे यहाँ पर हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ है? और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बात करूं तो यहाँ पर के पश्चिम से सहारनपुर से भी हैं ब्रजेश सिंह जी, उनको देखना चाहिए। ये कंकड़ देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ से उखड़ी हुई है। और कुछ दिन बाद, 8 दिन बाद बताऊँगा मैं, कांवड़िए भी पैदल, कुछ कांवड़िए ऐसे होते हैं जो बिना चप्पलों के चलते हैं, यानी नंगे पांव यात्रा करते हैं, तो उनका इस पे चलना दूभर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है। और जितने भी वाहन यहाँ पे जा रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं आशा की निगाह से, हमारी तरफ भी देख रहे हैं कि भाई साहब इसको दिखा दीजिए, कहीं ना कहीं इस सड़क का उद्धार हो, हमारे आने जाने का जो रास्ता है उसमें थोड़ी सुगमता आए। क्योंकि हर तरीके से बात कर ली जाए, रोज़ बड़े बड़े दावे, प्रतिनिधि आखिर सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, आखिर है तो है कहाँ? ये भाई साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से है भाई साहब आप? इसी रास्ते से आते हैं? गन्नौर से है, सोनीपत। तो रास्ते से दिक्कत हो रही है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए, जाम लग गया है, यहाँ पर निकलना बेहतर है। और ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊँ सड़कों पर, देखिए क्या हाल है। और जो भी लोग इधर उधर से आ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, मतलब कई दुर्घटनाएं भी हो सकती है। और वह है 4 दिन बाद, आज से लगभग 1 जुलाई को स्कूल भी खुलेंगे, जो स्कूल बच्चों के वाहन हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। कभी कोई अनहोनी होने का डर, शायद प्रशासन को भी ऐसा कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं है, उनको चिंता नहीं है। और ये भाई साहब दिखा रहे हैं, देखिए क्या हाल है, इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब इसको दिखाइए। ये टेम्पो आया है, इनको बड़ी दिक्कतें होती है। मैं देखिए आप किस तरीके से पलटने से बाल बाल बच रहे हैं। ये जो 3 पहिए के वाहन हैं इनको शायद ज़्यादा दिक्कत होती हो यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से रोड का ज़्यादा बुरा हाल है, ज़्यादा बुरा हाल है। कब से है ये? तो कम से कम काफ़ी पुराना है। तो कोई सांसद विधायक किसी का ध्यान नहीं है सरकार का इसकी तरफ? भाई विधायक की तो है नहीं, निधि यह है संसद की। संसद ने सोचा ही नहीं कुछ भी। अगर संसद सोचता इस बात को तो ऐसे ऐसे रोड कम से कम यहाँ से कहना विधानसभा में लोकसभा में बहुत है। अब ये तो कुछ मिनिस्टर ज्यादा बुरे बुरे हैं। कब, कौन सा सांसद आपके यहाँ से? प्रदीप चौधरी। तो आप मिले नहीं उनसे? हमें शिकल भी देखी भाई साहब उनकी आज तक, हम जाने भी नहीं आज तक संसद को। लगभग 8 दिन बाद यहाँ से कांवड़िए भी गुजरेंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं। मेन रास्ता हरियाणा राजस्थान का मेन रोड। भाई देखो, कांवड़ यात्रा चल रही है, इससे पहले बनना जाना चाहिए हर रोड। जहाँ कांवड़ यात्रा निकलेगी हर रोड निकलेगा। आगे मुहर्रम भी है, ईद भी आने वाली है,
हर चीज है, सबसे बड़ी बात। और भाई इवाल कावड़ है मेन रास्ता है, हरिद्वार का मेन रास्ता है, यू सबसे पहले सरकार ने ध्यान देना चाहिए इस पे। और यहाँ का जो संसद है वो तो बिल्कुल इस चीज में सोचता ही नहीं, ना किसी ने पता, कौन नहीं सोचते सांसद, बिल्कुल नहीं सोचता भाई साहब, बिल्कुल यहाँ पता ही नहीं कौन संसद है कौन नहीं। तो तब आ जाएंगे चुनाव 24 में फिर से, अब आएंगे फिर, चल गया आ गया, आने लग गया देहात में, आने लग गया देहात वाले यही बात रखे भाई, कुछ काम ही नहीं करा, बताओ कोई सड़क नहीं गाँव की, कोई ये नहीं है, रोड चल रहा है, कुछ नहीं है। आपका क्या नाम? चौधरी फुरकान बुरा। ये चौधरी फुरकान थे जिनका साफ कहना है कि 4 साल से ना सांसद ने ध्यान दिया है और सांसद के अंतर्गत ये आती है। और ये टेम्पो वाले से कहूँगा भाई साहब मैं एक बार जरूर रुके, क्योंकि इनका रोज का आना जाना है, दिन में कहीं कहीं चक्कर यहाँ शायद लगाते होंगे। भाई साहब कहाँ से आए आप? भाई साहब पानी बस आ रहे हैं हम तो। रोज चलाते हो क्या आप यहाँ? हाँ जी। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आता? तो ऐसा लगता है कि कहीं पलट ना जाए? बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ तो। कितने दिन से टूटा हुआ ये? तो बहुत काफ़ी टाइम से टूट रहा है, लगभग 3 साल से। ये देखो भाई, साल से बना ही नहीं है रोड, ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रोड पे, पानी भर जा, उल्टी सीधी गाड़ी चले, सवारियों के भी चोट ना लग जा, अगर पलट गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे भाई। तो आप कब से चला रहे हैं गाड़ी यहाँ पे? गाड़ी 2 महीने से तो रेगुलर आ जा रहा हूँ इस पर। 2 महीने से? हाँ जी 2 महीने से यही हाल है। 2 महीने से तो यही हाल देख रहा हूँ मैं जब से गाड़ी चला रहा। तो इनका साफ कहना है कि लगभग 2-3 साल से ये रोड नहीं बना है, और खड्डे देख लीजिए आप, गाड़ी किस तरीके से जाती है, टहलती जाती है, कई बार डर भी रहता है सवारियों को उसको पलटने का कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो मेरा सरकार से यही अपील है, कम से कम इन ऐसे रोड जो अदर स्टेट की कनेक्ट करते हैं, यहाँ हरियाणा हो या राजस्थान हो वहाँ से, और सबसे बड़ी बात कावड़ी होगी, महज 8 दिन बाद यहाँ कावड़ी इसी रोड से गुजरेंगे, जो नंगे पाँव भी गुजरेंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में कावड़िए यहाँ से जाएंगे, उनके लिए आखिर सरकार पुष्प वर्षा की बात करती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प तो वर्षा होगी लेकिन उनको चलने के लिए रोड भी देना सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। तो तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश से, मैं कुलदीप सिंह सामली।